दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है YouTube चैनल में। दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर। दोस्तों 2019 में मोदी सरकार ने विकलांग प्रमाण पत्र में दो बहुत बड़े बदलाव किए हैं, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, अगर दोस्तों आपके यहाँ पे कोई भी विकलांग व्यक्ति है और उनके पास विकलांग प्रमाण पत्र है, तो मोदी सरकार ने विकलांग प्रमाण पत्र में दो बहुत बड़े बदलाव किए हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताएंगे विकलांग प्रमाण पत्र में हुए दो बहुत बड़े बदलाव। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एंड तक। और इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए दोस्तों आपको बताएंगे विकलांग प्रमाण पत्र में हुए दो बहुत बड़े बदलाव। तो जैसे कि दोस्तों आप यहां पे लिखा देख सकते हो, विकलांगता सर्टिफिकेट के लिए नए नियम लागू। जी हां दोस्तों, अक्षम लोगों को जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए विकलांगता प्रमाण पत्र में कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। जिला स्वास्थ्य विभाग से अक्षम लोगों को परेशानी से बचाने व उन तक सही लाभ पहुंचाने के लिए दो नए नियम बनाए हैं। कहीं एक नए नियम आपके अक्षम लोगों के लिए बुरी खबर लेके आया है। इन सभी नियम को आने वाले बुधवार से लागू किया जाएगा। जी हां दोस्तों, अस्पताल में भी बनेगा सर्टिफिकेट विकलांगता प्रमाण पत्र बनवाने के लिए। बल्लभगढ़ के लोगों को बीके अस्पताल नहीं जाना होगा। जिला स्वास्थ्य विभाग के बल्लभगढ़ के विकलांगता सर्टिफिकेट के लिए एक बोर्ड बनवाया है। इसका हेड SMO को बनाया गया है और यह बोर्ड केवल बेसिक चीज़ों के लिए ही सर्टिफिकेट इशू करवाने इसकी बीके अस्पताल से जुटने वाली भीड़ में कमी आएगी। इस बारे में डिसीजन मेडिकल ऑफिसर कोड PC बेसिक चीज़ों के लिए विकलांगता सर्टिफिकेट कहीं के अस्पताल से भी मिल सकता है दोस्तों। और जैसे कि दोस्तों आप यहां पे लिखा देख सकते हो, 40% से कम को नहीं मिलेगा सर्टिफिकेट। जी हां दोस्तों, अगर 40% से विकलांग कम हो तब आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग ने नए नियम के तहत साफ कर दिया है कि 40% से कम विकलांगता के लिए विकलांगता सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जाएगा। यह नियम इसलिए बनाया गया है ताकि ज़रूरतमंदों को इस सुविधा का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। इसके लिए जिला स्वास्थ्य विभाग ने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया। फॉर्म की जगह 6 फॉर्म मिलेंगे। डॉक्टर PC आर्यन ने बताया कि अब तक एक, लेकिन अब अलग अलग विकलांगता कैटेगरी के लिए 6 अलग अलग फॉर्म बनाए गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह है हर विकलांगों को उसकी ज़रूरत के अनुसार सुविधा दी जाएगी। जी हां दोस्तों, तो ये दो नए नियम लागू किए हैं विकलांग प्रमाण पत्र पे। तो अगर आप भी विकलांग हो, आपके पास विकलांग प्रमाण पत्र है, तो यह दो नए नियम लागू किए गए हैं। तो दोस्तों यह आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वो आपने अपना कीमती